अखिल भारतीय बेरोजगार नर्सेज संघर्ष समिति की तरफ से आप सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हमने एक नेशन वाइड सिग्नेचर कैंपेन की लॉन्चिंग की है, जो 15 दिसंबर मंगलवार को पूरे देश भर के अंदर आयोजित किया जाएगा। साथियों, आप सबको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज पूरे भारतवर्ष के बेरोजगार नर्सिंग साथी एक मंच पर आए हैं और एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि 16 दिसंबर को एम्स नर्सेज यूनियन की स्ट्राइक है। मैं सबसे पहले एम्स नर्सेज यूनियन के प्रेसिडेंट सर हरीश कुमार काजला सर का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि आपने इस बेरोजगारों के मुद्दे को आपने इस स्ट्राइक के अंदर शामिल किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं साथियों। और उम्मीद करते हैं कि हरीश कुमार काजला जी ने हमारे इस मुद्दे को न केवल शामिल भी किया है, बल्कि इस स्ट्राइक के अंदर पुरजोर तरीके से हमारा पक्ष, सभी बेरोजगार साथियों का पक्ष सरकार के सामने मजबूती से रखेंगे। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि नेशन वाइड पोस्टकार्ड कैंपेन की सफलता के बाद हम ये नेशन वाइड सिग्नेचर कैंपेन करने जा रहे हैं। इसके तहत मेडिकल साइंस से जुड़े हुए सभी इंस्टीट्यूट, नर्सिंग से जुड़े हुए सभी इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर कई सारे पब्लिक प्लेस पर हम इस कैंपेन को करने जा रहे हैं, जिसके अंदर न केवल नर्सिंग प्रोफेशनल, मेडिकल प्रोफेशनल्स, बल्कि आम जनता की भी पूरी भागीदारी होगी। साथियों, हम सभी बेरोजगार नर्सेज एम्स नर्सेज यूनियन का पूर्णतः समर्थन करते हैं और हमारा यह विश्वास है कि एम्स नर्सेज यूनियन हमारे इस मुद्दे पर हमारे गंभीरता से सरकार के सामने पक्ष रखेंगे और हमें एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा। साथियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से अखिल भारतीय बेरोजगार नर्सेज संघर्ष समिति की तरफ से पूरे देश भर के तमाम नर्सिंग संगठनों, नर्सिंग यूनियन और नर्सिंग से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति से हमारे इस नेशन वाइड सिग्नेचर कैंपेन के सफलता के लिए आप सबके योगदान की अपेक्षा रखता हूं। और आप सबसे एक ही चीज कहना चाहूंगा कि हमारे इस कैंपेन के अंदर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और हमारे इस कैंपेन को सफल बनाए। और मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा कि जितने भी हम जो ये कैंपेन कर रहे हैं, चाहे पोस्टकार्ड कैंपेन हो या फिर सिग्नेचर कैंपेन हो, इनके कहीं ना कहीं प्रभावी होने के बहुत सारे तरीके हैं और इनका प्रभाव देखने को जरूर मिलेगा, ये हम आप सबको विश्वास दिलाते हैं। साथियों, कई सारे साथियों की मांग है कि हम इस मुद्दे को लेकर के प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे, सड़कों पर क्यों नहीं उतारे। मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचेगा, जब हमको लगेगा कि नहीं, अब आप लोगों का साथ हमारे पास पूर्णतः आ गया है, पूरा नर्सिंग समुदाय हमारे साथ जुड़ चुका है और अब हमारे पास यही विकल्प बचा है कि हम सड़कों पर उतरकर इस मुद्दे को मनवाएं, तो उसके लिए भी हम अखिल भारतीय बेरोजगार नर्सेज संघर्ष समिति पूरी तरीके से तैयार है और निश्चित ही हम इसमें सफलता पाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप सबका बहुत बहुत सहयोग के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद।